आज हम नूडल्स बना रहे हैं, उसके लिए हमें करना क्या है, देखिए ये पानी मैंने बॉईल किया है, देखो पूरा बॉईल हो चुका है, कच्चा नहीं रहे पानी। अब उसमें मैं 2 चम्मच के लगभग तेल डालूंगी और उसमें ये नूडल्स इस तरीके से तोड़ के डालूंगी। तेल डालने से क्या होता है, ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और खुले खुले अपने नूडल्स बनेंगे। फ्रेंड्स, अब इस तरीके से हम इसे बॉईल करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, हमें ज़्यादा भी नहीं गलाना है इसे। अब क्या करेंगे, हम इस नूडल्स को इस तरीके से छान देंगे। और इसे अच्छे से ठंडे पानी से हमें धोना है ताकि इसका जो स्टार्च है वो सब निकल जाए और ये खुला खुला बने। इस तरीके से अच्छे से हमें ठंडे पानी से इसे धोना है और थाली में हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हाय फ्रेंड्स, अब देखिए नूडल्स के लिए हमें प्याज चाहिए जो मैंने इस तरीके से काट के रखा है। मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे काटना है। ये प्याज है, उसको पहले हम लोग 2 पार्ट करेंगे ऐसे, और हमें ऐसे लंबा नहीं काटना है उसको, ये वाले पोर्शन से इस तरीके से पतले पतले हमें प्याज काटने हैं। इस तरीके से हमें सारे प्याज काटने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए पत्ता गोभी, ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, रेड चिल्ली सॉस है, सोया सॉस है, शिमला मिर्च है, ग्रेट किया हुआ गाजर है मेरे पास, ये गार्लिक है, ये ग्रीन चिल्लीज है जो लंबे लंबे मैंने काटे हुए हैं स्लैंटिंग में, और नमक, रेड टमेटो केचप और ऑनियन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओनियन को फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इतना तेल डाल के रखा है इसमें अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से ले तेल को। तेल में हमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं देना है, सिर्फ सीधा ओनियन को फ्राई करना है। और जब भी आप चाइनीज़ बनाएं, गैस की फ्लेम को फुल रखें फ्रेंड्स, सिम में नहीं करना है कुछ भी। जब थोड़ा ये हाफ फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूंगी और गार्लिक डालूंगी। अब ये जो गार्लिक है उसे मैं दे रही हूँ। मैंने गैस की फ्लेम को फुल रखा है, ध्यान रहे सिम नहीं करना है हमें, इस तरीके से हमें हिलाते रहना है। देखिए अब हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए अच्छे से मिलाएंगे। आपके पास अगर बीन्स हो तो वो भी डाल सकते हैं, लंबे स्लैंटिंग काट के, बीन्स भी बहुत अच्छे लगते हैं नूडल्स में। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। इसके साथ कैप्सिकम के साथ मैं कैबेज को भी डाल रही हूँ। देखिए अब ये जो पत्ता गोभी है थोड़ी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें ये कैरेट ऐड कर रही हूँ। इसे भी 2 मिनट ऐसे हिलाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे
मैं ग्रीन चिलीज ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो पहले ऐड कर सकते हैं या बाद में भी। नमक अपने हिसाब से डालें क्योंकि सॉसेस में भी काफ़ी नमक रहता है, इसलिए एक बार थोड़ा ही नमक ऐड करें इसमें। अब मैं ऐड करूंगी टमेटो केचप 2 to 4 टीस्पून केचप है टमेटो। अब ग्रीन चिल्ली सॉस भी उतना ही हम देंगे। सारे सॉसेस को सेम क्वांटिटी में देना है हमें। अब थोड़ा ग्रीन चिल्ली सॉस, ग्रीन चिली सॉस काफ़ी तीखा रहता है इसलिए ध्यान रहे, मिर्ची अपने हिसाब से दें। आपके पास विनीगर है तो वो भी दे सकते हैं। मैं जरा सा नमक और इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर दें। अब ये जो नूडल्स हैं इसे धीरे धीरे इस तरीके से इसमें डाल के हम इसे मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से आप मिला सकते हैं ताकि नूडल्स आपके टूटे नहीं। अब हमारा ये नूडल्स तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। थैंक यू।